नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम मावा रोल्स की रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मावे के रोल बनाना शुरू करते हैं। तो मावा रोल बनाने के लिए सबसे पहले गैस पे हम एक कढ़ाई या पैन चढ़ा देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे घी। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी का यूज़ किया है। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जब घी मेल्ट हो जाए तो उसमें हम 1 कप दूध डाल देंगे। ये फुल क्रीम दूध है, आप चाहें तो नॉर्मल भी डाल सकते हैं। मिला देंगे इसे, इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे। जब दूध अच्छे से बॉईल होने लगे तो उसमें हम 2 कप मिल्क पाउडर डाल देंगे। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। मिला देंगे इसे। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये तले में जले नहीं। तो 1 कप मिल्क पाउडर मैंने पहले डाल दिया था, 1 कप और डाल देंगे। तो टोटल मैंने यहाँ पे 2 कप मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मावा गाढ़ा होने लगा है। लगातार चलाते हुए इसे और इसका हम मावा बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं अब हम इसमें 1 चम्मच घी और डाल देंगे। तो लगभग 5 से 7 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारा मावा भी बन करके तैयार हो गया है। 1 से 2 मिनट और कुक कर लेंगे इसे। तो ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है, इससे ज़्यादा इसे गाढ़ा नहीं करना है। इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे और 1 से 2 मिनट और चलाते रहेंगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे। चलाते हुए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मावा भी अच्छे से ठंडा होने लगा है। जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ये और भी गाढ़ा होता जाएगा। तो यहाँ पे मावा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो सारे ही मावे को हम किसी एक बाउल या फिर एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो मावा यहाँ पे अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसमें मीठे के लिए बूरा डाल देंगे। 3 से 4 कुटी हुई इलायची डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर देंगे। हाथ से ही मिला लेंगे इसे हम। 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसलते हुए इसे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसे अच्छे से मसलते हुए। तो अच्छे से मिक्स हो गया है इसमें बूरा। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा बूरे का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास में बूरा ना हो तो आप शक्कर को पीस के और उसका भी आप बूरा बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अब हम इसमें से लोई तोड़ लेंगे। तो आपको जिस भी साइज़ के रोल बनाने हैं, पतले या मोटे, उसी हिसाब से आप इस तरह से लोई तोड़ लें इससे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो अब हम एक किसी थाली को या प्लेट को उल्टा रख लेंगे और इस तरह से इसे बराबर बराबर कर लेंगे, चारों तरफ से गोल बना लेंगे इसे। तो दोनों हाथों से इस तरह से हम इसे गोल बना लेंगे। पतला मोटा आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने चांदी का वर्क लिया है, तो चांदी के वर्क में इसे लपेट लेंगे हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चांदी के वर्क में रोल को लपेट लिया है अच्छे से। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो चाकू की हेल्प से इसके हम टुकड़े कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे मैंने इसमें से 3 रोल बनाए हैं। छोटी बड़ी साइज आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो अब हम इसे प्लेट में रख लेंगे, निकाल लेंगे प्लेट में। तो वापस से डो ले लेंगे हम और इस तरह से इसे लंबा कर लेंगे, गोल बना लेंगे। साइड को वापस से मोड़ लेंगे और इस तरह से हम इसे वापस से लंबा कर लेंगे। वापस से चांदी का वर्क ले लेंगे इसमें और चांदी के वर्क में लपेट लेंगे
आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे चांदी के वर्क में भी लपेट लिया है। चांदी के वर्क से कोई टेस्ट नहीं आता है, बस थोड़ा दिखने में सुंदर लगते हैं रोल या जिस भी मिठाई में आप लगाते हो इसे। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह सारे ही रोल हमें बना लेने हैं। तो अब हम चलते हैं सर्विंग के प्रोसेस में। तो मैंने सभी रोल्स को एक प्लेट में सर्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में किसी और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।